अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साड़ी का बेल्ट लगाना सिखाऊंगा। आजकल पल्लू ज़रा लंबे चल रहे हैं, तो हम रखेंगे 47, यानी कि 2.5 गज से बड़ा पल्लू। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से पल्लू आजकल लंबे हो, लंबे ज़रा फैशन में है। गिरते हुए पल्लू सबको पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने डबल 47 लगाया। अब हम 9 इंच पर 5 प्लेटों के निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान मैं 9 इंच पर इसलिए लगाता हूँ, ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं लगाता कि अगर हम ज़्यादा कपड़ा प्लेटों के अंदर ले लेते हैं तो फिर आगे की तरफ से ज़रा स्मार्ट लुक नहीं आता, काफ़ी मोटा मोटा पेट पर से साड़ी नज़र आती है। यह हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, 5 प्लेटों के निशान, क्योंकि पीछे हमें कपड़ा बचाना है बेल्ट के लिए। ये देखें, जो हमने डबल 47 पर निशान लगाया था, पहली प्लेट हम उसके ऊपर डाल देंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5 प्लेट हमारी डल चुकी है। प्लेटों को कभी भी नीचे तक नहीं जमाया करो, प्रेस नीचे तक नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी लगती है नीचे से प्लेट। 41.5 हमारी साड़ी की लंबाई है, ये हम तैयार निशान लगा देंगे। देखें, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से प्लेटें जमाई है, 32 कमर, वेस्ट ये 32 पर हमने निशान लगाया। 5 इंच हम एक्स्ट्रा अंदर कपड़ा फोल्ड करने के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। बाकी ये पीछे का सारा कपड़ा हम बेक की प्लेटों में लेंगे, बाकी प्लेन थोड़ा सा काट देंगे क्योंकि काम इतना है नहीं, पीछे से प्लेन है। ये देखें, ये कपड़ा। अब मैं आपको बेल्ट लगाना सिखाऊंगा। इसके बाद तकरीबन 15 से 16 इंच कपड़ा पीछे प्लेटों के लिए छोड़ते हैं। बेल्ट कपड़ा लिया हमने और उस पर ये बुकरम को रखकर इस तरीके से लगाया, दूसरी फिर पलटी दी कपड़े को, पलट कर कपड़े को, फिर ये दूसरी सिलाई। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है, आराम से आप बेल्ट लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हमने साइड टर्न कर दी कपड़े की, ये देखें, एक पलटी और दे देंगे, ये फिर पलटेंगे हम कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसका काट देंगे। बेल्ट हमारा, कपड़े का बेल्ट तैयार। साड़ी की प्लेट है, 5 इंच हम मशीन की सिलाई, तकरीबन 5 इंच तक जो हमारा निशान है कमर का। साड़ी की लेंथ जो 41.5 हमने रखी है, उससे 5 इंच नीचे हम एक सिलाई लगा देंगे, ये देखें, और फिर ये साइड का पल्लू मोड़ देंगे। पल्लू जो अंदर की तरफ जाएगा, ये देखें, बिल्कुल इसी तरह, बहुत इजी, बहुत आसान। फिर ये ऊपर से 41.5 पर हमने रखा निशान, निशान पर, और ये हमने प्लेटें डालना स्टार्ट कर दी। तकरीबन 5 से 6 प्लेटें 1.5 इंच की हमारे पीछे आएंगी, और ये देखें आ गया बेल्ट का हमारा लास्ट प्लेट के एंड में आ रहा है, जो हमने प्लेटें डाली हैं, ये देखें, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। ये देखें, देखें हो गया। अब ये पीछे से फिर हम सिलाई लगाएंगे और सारी प्लेटों को दोबारा से जमा देंगे। साड़ी का तरीका हमारा बनाने का आपको पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ये देखें, प्लेटें टेढ़ी ना हो इस बात का ख्याल रखना है, बिल्कुल सीधी सीधी ये प्लेटें। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 प्लेटें जो हमारी साड़ी के अंदर हमें पीछे डालनी है। अगर कपड़ा
ज़्यादा कम हो, वेस्ट आपकी ज़्यादा हो, कमर ज़्यादा हो साड़ी बनाने की, साड़ी बनाने बनाते वक्त, और कपड़ा इतना ना हो पीछे, तो आप प्लेटो 1 इंच की भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1.5 इंच की प्लेट आए। ये देखें, ये हम आई बनाने के लिए कपड़े की इस तरीके से कपड़े को स्ट्रेट रखेंगे, ना उरेप रखेंगे, उरेप ने बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल तार को सीधा रखना है। तकरीबन 2 इंच का कपड़ा ये हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखें तार से, इस तरीके से हमारा कपड़ा टेढ़ा नहीं होगा, और जो हमारी आई लगेंगी वो आई हमारी जानदार होंगी, हमारी साड़ी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इस तरीके से इसको 3 फोल्ड में मोड़ देना है, इधर से और उधर से। ये देखें, आई का कपड़ा हमें इतना लेना है, तकरीबन हमारी 8 से 9 इंच पर आई हो साड़ी में, क्योंकि लूज टाइट का भी मसला हो सकता है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से लास्ट वाली को ये अंदर मोड़ दिया। ये देखें, अच्छा एक बात का ख्याल रखना है, सिलाई डबल करनी है इस पर, सिंगल सिलाई से काम नहीं चलेगा। ये देखें, इस तरह 2 सिलाइयों से ज़रा मजबूती आ जाएगी और हमारी आई अपनी जगह से नहीं लेगी, बेफिक्र होके फिर हम साड़ी बांध सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हो गई है, हमारी आई लग चुकी है और हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, एंड में हम यहाँ पर हुक लगा देंगे, हुक मजबूती से लगाना है। ये देखें, अंदर हुक कर कर बेल्ट के नीचे, और फिर ये लगा दिया। अब आप देखें, जो हमने अपना साइज़ रखा था साड़ी का, ये मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। हो गया, ये हमारा बढ़ता हुआ 5 से 5.5 इंच का कपड़ा, ये जो हम अंदर फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखें, हम ज़्यादा अंदर कपड़ा छोड़ तो देते हैं, मगर वो पेट पर से फिर साड़ी बुरी लगती है। मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा मोटा हो जाता है आगे से, और एक स्मार्ट सा लुक जो साड़ी पहनकर आना चाहिए, साड़ी बांध कर आना चाहिए, वो आता नहीं है। ये हमारी 32 कमर बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं ये साड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो। ये देखें, 5 प्लेटें और साड़ी देखें, एकदम बेहतरीन और बहुत आसान। ये देखें,